करीब 15 दिन बाद जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी नरेश को पुलिस ने महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के धुले में छिपे होने की खबर मिली थी। आरोपी को आज दोपहर फरीदाबाद की जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। रेलवे पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 22 जून को 16 साल के जुनैद की गाजियाबाद से मथुरा जा रही ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पलवल का रहने वाला आरोपी हत्या करने के बाद फरार हो गया था। रेलवे और फरीदाबाद पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे फरीदाबाद लाया गया है। जुनैद फरीदाबाद के वल्लभगढ़ का रहने वाला था। ट्रेन में सीट को लेकर झगड़े के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में दिल्ली सरकार के कर्मचारी समेत 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। घटना है, उसके बाद से कहाँ था आरोपी, क्या पता चल रहा है? अभी कुछ दिन तो यही रहा है, उसके बाद ये वहाँ महाराष्ट्र में चला गया था। तो पुलिस की सख्ती जो बढ़ गई थी उसके बाद ये यहाँ से भागा या क्या हुआ? देखिए, इसके बारे में तो अभी जांच कर रहे हैं, बता दें। जिस तरह से रेलवे पुलिस एक्टिवनेस के साथ काम कर रही थी क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर, पहले 1 लाख का इनाम था, फिर 2 लाख का इनाम हुआ, तो ये भागा कब यहाँ से, कब छोड़ा इसने शहर? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के पहलू है, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, कल आपको खुलासा।